आज एक जातक कथा सुनते हैं। एक व्याध ने पंछियों को फंसाने के लिए जाल बिछाया और उसमें दो पंछी फंसे भी, परंतु उन पंछियों ने झटपट परस्पर सलाह की और जाल को लेकर उड़ चले। व्याध को यह देखकर बड़ा दुख हुआ, वह उन पंछियों के पीछे भूमि पर दौड़ने लगा। कई ऋषि अपने आश्रम में बैठकर यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने व्याध को समीप बुलाकर पूछा, तुम व्यर्थ क्यों दौड़ रहे हो? पक्षी तो जाल लेकर आकाश में उड़ रहे हैं। व्याध बोला, भगवान, अभी इन पंक्षियों में मित्रता है, वे परस्पर मेल कर एक दिशा में उड़ रहे हैं, इसी से वे मेरा जाल लिए जा रहे हैं, परंतु कुछ देर में इनमें झगड़ा हो सकता है, मैं उसी समय की प्रतीक्षा में इनके पीछे दौड़ रहा हूँ। परस्पर झगड़ा कर जब ये नीचे गिरेंगे तब मैं इन्हें पकड़ लूंगा। व्याध की बात सही निकली। थोड़ी देर उड़ते उड़ते जब पक्षी थकने लगे तो उनमें इस बात को लेकर विरोध हो गया कि उन्हें कहाँ ठहरना चाहिए। विरोध होते ही उनके उड़ने की दिशा और पंखों की गति समान नहीं रही। इसका फल यह हुआ कि वे उस जाल को संभाल कर नहीं रख सके, जाल के भार से लड़खड़ाकर स्वयं भी गिरने लगे और एक बार गिरना प्रारंभ होते ही जाल में उलझ गए। अब उनके पंख भी फंस चुके थे, जाल के साथ वे भूमि पर गिर पड़े। व्याध ने उन्हें सरलतापूर्वक पकड़ लिया। जब हमारे बीच आपसी मतभेद होता है तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है।